हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था उसके जो एग्ज़ाम पेपर था, मैं उसका पूरा एनालिसिस करवाने वाली हूँ। और ये जो एग्ज़ाम पेपर है आपका मैकेनिक डीजल ट्रेड वालों के लिए, या फिर डीजल मैकेनिक आप बोल लीजिए तो उन ट्रेड वालों के लिए एग्ज़ाम पेपर है। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें नॉन टेक और टेक्निकल के जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनका लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह से आते हैं, तो आप लोगों को पूरा इसमें देखना है। और अगर आप लोगों को और भी इनसे रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MPITI TO 2020 करके ग्रुप बना हुआ है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। और नॉन टेक वगैरह की भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉन टेक का है वो कैसा आता है। इसमें जो नॉन टेक का टॉपिक रहता है वो आपका जनरल नॉलेज रहता है। जनरल नॉलेज में आपका मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया जीके और करेंट अफेयर रहता है, और साथ में आपका जनरल साइंस के कुछ पोर्शन इसमें रहता है। तो जनरल साइंस के आपके 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी आपका MP GK और MP करंट अफेयर से और साथ में अदर स्टेट्स या ऑल इंडिया GK और करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखें तो इसमें है कि व्हाट इज एम शिक्षा मित्र लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र क्या है। तो इसमें जो एम शिक्षा मित्र है वो है मोबाइल ऐप फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप है एम शिक्षा मित्र, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका 4th नंबर ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही पूछा गया है, ठीक है। और ये करेंट अफेयर से है। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा ब्लैंक भंडार है, तो ये मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ब्लैंक इन इंडिया। इंडिया में जो मध्य प्रदेश है उसका किसका सबसे बड़ा भंडार है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो इसका भी 4th ऑप्शन होगा, यानी कि कॉपर, ठीक है, तांबा, ठीक। अब इस टाइप के आप देखेंगे कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है। तो इसमें जो नदी है वो है बनास। बनास नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है, जबकि जो चंबल, बैनगंगा और क्षिप्रा ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश जीके से था। अब इसमें जैसे इसी टाइप के आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय भारत के राष्ट्रपति थे, तो 1962 से 1967 में ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। जैसे ये है ग्वालियर में जन्मे संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे, तो ये सरोद वाद्ययंत्र बजाते थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आप पूरे देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है कि कब खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में, ठीक है, यानी कि 1986 में। और भी इसी टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये पूरा आप लोगों को देखना है। जैसे मध्य प्रदेश के कैमूर मेखला महादेव क्या है, तो ये जो है कैमूर मेखला और महादेव ये मध्य प्रदेश में क्या है, तो ये पहाड़ हैं, ठीक है। कैमूर मेखला और महादेव ये मध्य प्रदेश में माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो MP GK और MP करंट अफेयर से रिलेटेड। आप देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि एक विषम को ज्ञात कीजिए, गोलक्रमी यानी कि राउंड बॉम, पिन बॉम या पिन क्रमी, रिंग बॉम, दाद और टेप बॉम, फीताक्रमी। तो इसमें जो होगा आपका रिंग बॉम या दाद ये आपका ऑड होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिंग बॉम और दाद होता है ये इंसानों में होता है और ये फैलता जाता है, ठीक है। और जबकि ये जो राउंड बॉम, गोलक्रमी, पिनक्रमी और फीताक्रमी वगैरह ये जो कीचू वगैरह होते हैं उनकी प्रजाति वगैरह हैं इस टाइप से, ठीक है। और रिंग बॉम सिर्फ ये होता है दाद जो मनुष्यों में फैलता है। अब ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक इन मध्य प्रदेश, मतलब निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है, तो चिल्का झील है या फिर शिवसागर झील, तावा और लोकटक। तो इसमें जो है तवा वो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है, बाकी ये जो लोकटक चिल्का वगैरह है ये आपकी मतलब कि झील के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तवा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसमें जैसे ये भी मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का निम्न में मतलब ब्लैंक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का, तो वो है चेरापूंजी, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है अलीराजपुर को, ठीक है। इस टाइप से आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस तो ये 24 अक्टूबर को रहता है, ठीक है। इस टाइप से ये जैसे यहाँ पे शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, तो वो होता है यकृत, लीवर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है कि किसकी हत्या के बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता
1 नवंबर 1984 लिखी थी, तो लिखी थी इंदिरा गांधी की आत्महत्या के बाद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। इस टाइप से आप पूरे देखेंगे तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये नॉन टेक के। और मैं इस जो एग्ज़ाम पेपर इसकी PDF भी अवेलेबल कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैकेनिक डीजल, ये देखिए आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैकेनिक डीजल, तो मैकेनिक डीजल से ये आपके अब 75 क्वेश्चन टेक्निकल ट्रेड से रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जाकर, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपको इसी टाइप की और वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मैकेनिक डीजल से आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, तो पिस्टन बलय अंतराल को जांचने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताएं, तो वो क्या होगा, फिलर गेज। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है आपके। इसमें क्या होता है 10% मोस्टली 10-20% टफ क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपकी 80-90% आपके इजी और मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन ड्यू टू बर्निंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लैंक पावर, मतलब वायु ईंधन मिश्रण के दहन के कारण इंजन में विकसित शक्ति ब्लैंक कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इंडिकेटेड या सूचित शक्ति कहलाती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को बस कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ाई करनी है। आप लोग डिसाइड कर लें पूरा कि मुझे पर डे मतलब कि 2-3 घंटे पढ़ने, अगर आप 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो 2 घंटे आप टेक्निकल पढ़ लें, 1 घंटे नॉन टेक, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और साथ में आप क्या करें कि टॉपिक्स जो पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो MCQ या बेस्ट यूनिट क्वेश्चन है उनको पढ़ें। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपके टॉपिक्स और उनके साथ आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है 6 नंबर के, वाहन की बैटरी ब्लैंक द्वारा आवेशित होती है, तो किसके द्वारा आवेशित होती है, तो डायनेमो के द्वारा। ठीक है, जैसे पिस्टन का निचला भाग ब्लैंक कहलाता है, द लोअर पार्ट ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, पिस्टन स्कर्ट। अब ये जो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल या इजी क्वेश्चंस में आते हैं कुछ, जैसे टैप बास और ब्लैंक के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, लॉकिंग दी नट्स नट के अभिवंदन के लिए होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे तो आपको आराम से ये पूरा पेपर मिल जाएगा। मैं इसकी PDF भी दे दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा इस पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ में इसी के मतलब कि इसी पेपर के पैटर्न पर आप लोग जो आगे आने वाला एग्जाम है 2020 का उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तो इसमें जो नॉन टेक के क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये है कि पिस्टन वाला किससे निर्मित होता है, तो जो पिस्टन रिंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो कास्ट आयरन या ढलवा लोहा से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और जो इंजीनियर वगैरह जिन्होंने किए पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है उन सभी के लिए ट्रेड रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, तो आप लोग भी भर सकते हैं इसको। तो आप लोग जो क्वेश्चंस का लेवल है इसके हिसाब से देखेंगे, और जो बुक्स वगैरह हैं वो भी मैंने बता दिए हैं कि आप लोग कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर MPITITO 2020 डालेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी तो आप लोग वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, उसमें बुक्स वगैरह मैंने बताई हैं वो परचेस आप लोग कर सकते हैं, या फिर जो अभी आपके पास बुक्स अवेलेबल है ठीक है आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करिए, सिलेबस भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी हैं उनमें दे दिया है। तो आप लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस के लेवल हैं और पूरा पेपर है वो उसमें इजी मॉडरेट और हाई लेवल तीनों लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग बस कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो आराम से क्रैक कर लेंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि पूरे 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, है ना। तो देखेंगे लास्ट में भी ये जैसे क्वेश्चंस हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में भी रहते हैं, तो आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नोजल इज यूज्ड इन हैवी डीजल इंजन, भारी डीजल इंजन में किस प्रकार की तुंड प्रयुक्त होती है, तो वो है आपकी मल्टी होल नोजल, बहुछिद्र तुंड या नोजल यूज्ड होती है किसमें, भारी डीजल इंजन में। इस प्रकार से आप देखेंगे पूरे 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा टेक्निकल के और 25 नॉन टेक के। तो इस टाइप से 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा और 2 घंटे मिलेंगे आपको, तो सफिशियंट है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना। और ये ऑनलाइन पेपर होता है और इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 17 से 20 अक्टूबर 2020 है, तो मतलब 4 से 4.5 महीने तो आप लोग इजिली कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी बनकर आप लोग पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। थैंक यू।